में किसानों को लेकर के एक बिल पास हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि ये बिल किस टाइप से है, किसानों पर इस पर इसके लिए क्या कुछ गुजरेगी? किसानों के साथ केंद्र सरकार लगातार धोखा कर रहा है। इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी, जिनके खिलाफ में कांग्रेस पूर्ण विरोध किए थे। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया था। हम आपको बताना चाहते हैं, अध्यादेश कब लाने की ज़रूरत पड़ती है? जब सेशन रनिंग में ना हो। अब अचानक 5 जून 2020 को अब अध्यादेश लाते हैं, देश कोरोना महामारी से गुजर रहा होता है, अब अचानक पिछले दरवाजे से आप अध्यादेश लाते हैं, और अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ये किसानों की मांग है, किसानों की हित की बात जुड़ी है, तो आप उन्हें सेशन पीरियड में लाते और अध्यादेश के जरिए आप उन्हें लाते हैं, क्योंकि अध्यादेश सेशन पीरियड में नहीं लाया जाता है, और जिहूँ सेशन का पीरियड आता है तो बिना बहस का आप उसे पास कराते हैं। जब किसानों की बात है, किसानों के हित में है, तो आप अध्यादेश क्यों लाए? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क। आप अध्यादेश लाए तो बिना बहस का उसे पास कराएं। सदन में पक्ष विपक्ष दोनों है, जब किसानों के हित की बात है तो आप बहस कराना क्यों उचित नहीं समझे? सरकार किसानों के हक को मारने का प्रयास कर रहा है। इस अध्यादेश में किसानों के साथ किसानों को शंका कब हुई? आप अध्यादेश में कह रहे हैं किसान मंडियों से बाहर भी फसल बेच सकते हैं। किसान तो मंडियों से बाहर पहले भी फसल बेचते थे, इसमें नया क्या चीज़ है? अरे आपको अध्यादेश ये लाना था, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों का जो अनाज खरीदेगा उन पे प्राथमिकी दर्ज होगी। लेकिन आपने अध्यादेश क्या लाया कि किसान मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। मंडी और किसानों के बीच के समन्वय को आप समाप्त करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, कोई भी कितनों भी स्टॉक करेगा तो पूंजीपतियों के जो काला बाजारियों को आप बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं कि काला बाजारी बढ़ेगा, और किसानों के जब किसान उत्पादन करेंगे कम मूल्य में उसको खरीद के वह स्टॉक कर सकते हैं, तो आप बड़े व्यापारियों को, बड़े बिजनेस जो काला बाजारी है उन्हें बढ़ा रहे हैं। आप ये तय करते मिनिमम सपोर्टिंग मूल्य जो है, आज आप देख रहे हैं बिहार में 1760 रुपया मक्के का मिनिमम प्राइस है, न्यूनतम समर्थ मूल्य 1700, लेकिन मक्का 1200 रुपया में किसान बेचने के लिए मजबूर है। तो ये किसानों के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है। जब आपका हर एक कार्यक्रम में ढोल नगारा बजता है, अरे ये किसानों की बात थी, किसानों को आप विश्वास में लेते कि आपका ये हम आपके हित के लिए है, जब हाँ तो आपके इस कार्यक्रम में किसान भी ढोल नगारा बजाते हैं, लेकिन किसान आपका पुतला फूंक रहा है। हमारे बिहार के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने जोरदार तरीके से राज्यसभा के सदन के पटल में इन बातों को रखा है, लेकिन यह सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और किसानों के हित में ये अध्यादेश नहीं है, ये कानून नहीं है, ये काला कानून है, और किसान घोर विरोध कर रहा है। इसलिए ये किसान जो है पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने का प्लान है, इसलिए यह सरकार किसान विरोधी सरकार है।